हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड गाइस, सबके मन में ये जरूर रहता है कि मैं अपने फोन के लिए एक पेन ले लूं, बट सबको ये सोचता है कि कहीं वो पैसा बर्बाद ना हो जाए पेन लेने पे। इसी वजह से दोस्तों मैंने मंगाया है ये टक्सर का स्टाइलस, जिसकी रेटिंग काफी अच्छी खासी है, बट ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसा वर्क करता है हर एक चीज। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग में इसके अंदर कुछ अच्छा खासा है नहीं, सिर्फ आपको एक पेन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा पेपर मिल जाता है। तो सीधा पेन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों टक्सर का आप जब पेन खरीदेंगे तो दो कलर ऑप्शन आपको मिलेगा, व्हाइट एंड ये ग्रे कलर का। तो मैंने ग्रे कलर का मंगाया है। एंड गाइस, फर्स्ट लुक में मुझे ये पेन काफी अच्छा लगा देखने में। पूरी बॉडी इसकी एल्युमिनियम की है एंड इसका कैप हटाते हैं एंड इसका जो कैप है दोस्तों वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, देख सकते हैं, इंप्रेसिव। हटाते ही आप देख सकते हैं दोस्तों आपको डिस्क वाला टिप मिल जाता है, यही आपके फोन में वर्क करेगा एज अ पेन। दोस्तों एक चीज और बता दूं, पीछे की तरफ आप जब यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा टिप मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टिप मिल जाता है, अगर मान लीजिए एक टिप आपका खराब हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा टिप भी यूज कर सकते हैं। एंड एक चीज और दोस्तों, पीछे कैप होल्डर में भी आपको मैग्नेट दिया गया है तो कैप गायब होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ चलिए यूज करके इसके एक्सपीरियंस को जानते हैं। एंड दोस्तों जब आप स्क्रीन पे लिखेंगे ना तो काफी फाइन रेटिंग आपको मिलेगी। एंड दोस्तों ये जो फाइन रेटिंग है ना वो आप उंगली की मदद से कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब काफी एक्यूरेट आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी एक्यूरेट मैं लिख पा रहा हूँ, कलर कर पा रहा हूँ, मैंने पेंटिंग भी की, काफी टच वगैरह में दिक्कत मुझे नहीं आई। बट दोस्तों एक डिसएडवांटेज की बात करूँ तो काफी ये लंबा है एंड दोस्तों इसका वेट काफी ज्यादा है। लंबाई आपको 168 mm की मिल जाएगी एंड दोस्तों 19 ग्राम का ये पेन है। तो मतलब ये आप इतना पार्ट निकाल देंगे ना पेन के नीचे का, देखिए इतना पार्ट अगर आप पेन के नीचे का निकाल देते हैं तब भी ये पेन वर्क करेगा। फिर भी इतना लंबा झूठ में दिया गया, थोड़ा सा छोटा और दोस्तों थोड़ा लाइट वेट करना चाहिए था। फिर भी आप दोस्तों फोन पे लिख पा रहे हैं, कंपेटिबल है, इजी टू राइट है, ठीक है। एंड नीचे की तरफ डिस्क टिप दिया गया है, काफी कमजोर देखने में लगता है दोस्तों बट ये कमजोर है नहीं। एंड ये पूरा दोस्तों रोटेटेबल है हर एक डायरेक्शन में, आप देखें ध्यान से तो, एंड काफी अच्छा मतलब ग्रिप बनाता है दोस्तों जब आप स्क्रीन पर लिखेंगे तो। एंड गाइस, ये जो पेन है वो सिर्फ 350 का है, उसके हिसाब से राइटिंग एक्सपीरियंस इसका काफी माइंड ब्लोइंग है। एंड ये दोस्तों जो पेन है वो कंपैटिबल है हर एक एंड्रॉइड फोन के लिए, हर एक iOS फोन के लिए एंड जो भी और भी अदर माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं उसके लिए भी। बट हाँ दोस्तों, वो डिवाइस जो है वो स्क्रीन टच होना चाहिए, ये नहीं कि जो स्क्रीन टच नहीं उस पर भी आप यूज कर रहे हैं सोचेंगे कि आपका काम कर, ऐसा नहीं है। तो गाइस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं। पहले डिसएडवांटेज ही बता देता हूं। पहले तो काफी लंबा है, थोड़ा सा पेन के कंपैरिजन में थोड़ा भारी है, पर ठीक है दोस्तों, अब जब आदत पड़ जाएगी ना तो दिक्कत नहीं होगी। जितना दिन मैंने यूज किया आदत पड़ गया तो मुझे उतना पता नहीं चलता है। एंड दोस्तों लिटिल बिट अगर आपका इस फोन का स्क्रीन डस्टी है तो उस पर वर्क नहीं करेगा, मतलब फोन का स्क्रीन आपको क्लीन रखना पड़ेगा एंड इसका टिप नहीं तो गंदा हो जाएगा तो आपका फोन पे स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इस पेन की मदद से काफी फाइन रेटिंग आप बना सकते हैं फोन के स्क्रीन पे, मतलब उतना आप उंगली की मदद से कभी नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। एंड जो पेन और स्क्रीन के बीच की लेटेंसी है ना दोस्तों वो काफी कम है, बहुत माइन्यूट है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये मुझे काफी अच्छी बात लगी। एंड ये जो पेन है काफी गुड लुकिंग है, मतलब कहीं पे भी आप निकाल के लिखने लगेंगे तो काफी एक्सपेंसिव लगता है देखने में भी। सबसे बड़ा एडवांटेज इस पेन का है कि इसमें बैटरी नहीं लगती है चार्ज करने का, या मतलब कुछ भी टिटिमा नहीं है इसमें, सीधे पेन निकालिए एंड स्क्रीन पर लिखना चालू कर दिए। और एडवांटेज मैं कहूंगा इसका डिस्क टिप जो है दोस्तों, इसके मदद से आप स्क्रीन पे जब राइट करेंगे तो काफी अच्छा ग्रिप बनता है एंड दोस्तों काफी अच्छी फाइन राइटिंग भी होती है एंड मतलब पेन और फोन के बीच का कॉन्टेक्ट टूटता नहीं है इसके वजह। तो गाइस, यही थी इस पेन की कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको लेना है तो बेझिझक आप ले सकते हैं, बस यही है कि कभी कभी डस्टी स्क्रीन पे वर्क नहीं करता है तो मतलब जिसने ले लिया है तो उनको ये दिक्कत आती है एंड वो रिव्यू में कुछ गड़बड़ ही लिख देते हैं कि पेन खराब है या बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्क्रीन डस्टी है या थोड़ा टिप गंदा हो जाता है डस्टी स्क्रीन पे यूज करते करते तभी वर्क नहीं करता है दोस्तों, प्रॉपरली यूज करेंगे प्रॉपरली चलेगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड और भी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।